दीपावली को लेकर पूरे देश में उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी तरह यदि राजधानी भोपाल के मार्केट की बात करें तो खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ पर अलग अलग तरीकों के तोरण, दिए और सजावट का सामान भी खूब बिक्री हो रहा है। भोपाल के न्यू मार्केट का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा ने। दिवाली का पर्व और इसको लेकर मार्केट भी सज चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट में। पहले हम आपको तस्वीरें दिखा दें। ये वो दिए हैं जो माना जाता है कि परंपरा है मिट्टी के दियों में पूजन करने की। और इसके अलावा अगर बात करें तो समय समय पर जैसे जैसे परिवर्तन होता जा रहा है, सिंपल जो जो मिट्टी के ईंटे होते थे वो कहीं ना कहीं डिजाइनों में परिवर्तित हो रहे हैं। अलग अलग डिजाइनें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं अगर बात करें इसी मार्केट में तो बच्चों के लिए जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बंदूकें, पॉप पॉप, ये इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को ज़्यादा पसंद होती है, उनको लेकर भी यहाँ पर मार्केट सजा हुआ है। बात अगर रंगोली की जाए तो चूंकि रंगोली भी माना जाता है कि जब घर के बाहर जो हम सजावट करते हैं उस सजावट में रंगोली का काफ़ी महत्व होता है। और देखिए अलग अलग रंगों की जो है जो रंगोलियाँ हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। हर्बल रंगोलियाँ भी कहीं ना कहीं मार्केट में लगातार आ चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर जो तोरण जो होते हैं जो घर को सजावट के जो वस्तुएं हैं वो भी यहाँ पर पूरी हैं। सवेरे से ही अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर जो है वो लगातार लोगों के पहुँचने का सिलसिला जारी हो, देर रात तक ये सिलसिला जो होता है वो कहीं ना कहीं लगातार जारी होता है। ये वो हम अपने दर्शकों पहले वो तस्वीरें दिखा दें किस प्रकार से एंटिक तोरण जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और अलग अलग लोग जो है यहाँ पर आकर खरीद रहे हैं। पूजा के जो सामान हैं उसको भी यहाँ पर लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नया चल रहा है इस बार तोरण में? सब टोटल वही पुराना ही है, नया कुछ भी नहीं है। क्या फिर भी कुछ तो नया ट्रेंड आ रहा होगा? अभी ट्रेंड में कुछ भी नया नहीं है भैया, पुराने में ही मार्केट स्लो है, डाउन है पूरा, कुछ मजा नहीं है मार्केट के अंदर। मार्केट डाउन है ये कहीं दुकानदारों का कहना है, लेकिन कहीं ना कहीं भी दुकानदार जो है वो परेशान है कि ग्राहकी का अभाव जो है वो लगातार यहाँ पर बना हुआ है। और भी जो कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, फैमिली के साथ आप लोग आए हुए हैं, कैसा देख रहे हैं सर इस बार दिवाली के पर्व को? देखिए व्यस्तता कहीं ना कहीं है और ये जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मार्केट पहुँचकर जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं या त्यौहार के जो जो सामग्रियाँ लगती हैं वो कहीं ना कहीं लेते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन विपिन पटेल के साथ प्रदीप तलाई, न्यूज़ 24/7 भोपाल। तो दिवाली की रौनक हर तरफ देखने को मिल रही है। हालांकि व्यापारी थोड़े निराश भी हैं क्योंकि इस बार महंगाई का असर दीपावली पे साफ देखने को मिला है और जिस उत्साह के साथ आमतौर पे लोग खरीदारी करते हैं वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्केट सज धज कर तैयार हैं और तमाम तरह की मूर्तियां, चाहे वो भगवान लक्ष्मी और गणेश की हों या फिर कुछ सजावट का सामान हो, वंदनवार हो या रंगोली हो या कैंडल हो, ये सभी उपलब्ध हैं और इनकी कई वैरायटीज मार्केट में इस वक्त उपलब्ध है।